आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और टिकट कटने के फैसले को सहजता से स्वीकार किया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के मुद्दे पर कहा कि पार्टी ने उन्हें काफी कुछ दिया है और फिलहाल मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जेडीयू की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद आरसीपी सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए। पार्टी के फैसले पर ना तो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और ना ही ललन सिंह पर सीधा निशाना साधा। जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हमारे पक्ष में होगा, तो कल का जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि इशारों इशारों में उन्होंने अपने पुराने फैसले को लेकर ललन सिंह को घेर ही लिया। 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, लेकिन घटाते क्यों? जेडीयू के फैसले से आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बने रहने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर पीएम मोदी से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को, और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे, तो हमारा तो भाई आप सामने जब है। उधर सीएम नीतीश कुमार ने भी आरसीपी सिंह के मसले पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि पार्टी ने आरसीपी सिंह को बहुत कुछ दिया है, फिलहाल उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। तो इतना अवसर दिया ही है हम लोगों ने, शुरू से ही दिया है अवसर। जब IAS अफसर थे तब 7, उसके बाद तब फिर राज्यसभा में भेजना, 2 बार भेजा भी, पार्टी का भी अध्यक्ष बनाया, अभी केंद्र में मंत्री भी है, तो ये सब मौका मिला है, तो उससे कोई खास बात नहीं है। क्या आरसीपी सिंह अब राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री कहेंगे, नेता कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे? नहीं नहीं, तो अभी तो टेनियर है ना, ये तो चुनाव समय के पहले तो हो रहा है, वो तो जब तक समय है तब तक के लिए तो है ही ना, तो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब है। उधर बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी आरसीपी सिंह को 6 महीने तक मंत्री बनाए रखना चाहती है। सवाल ये है कि 6 महीने के बाद आरसीपी सिंह का क्या होगा? खुद आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया। यही है भूमिका पार्टी में, आप देखते हैं कितना हम जिम्मेवारी दिए, सब लोगों को जिम्मेवारी दिए गए, वो सब आगे की चीज, वो आगे की चीज नहीं। देखिए अब तो संगठन में मुझे काम करना ही है, क्योंकि पार्टी अपनी है, मजबूती इसको देनी है, और मैं तो संगठन का आदमी हूँ, अब तो मैं समय भी ज़्यादा उसी पर ही दूंगा, तो जहाँ भी हमारे साथ संगठन में बुलाएंगे मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह भले ही पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करें, लेकिन जेडीयू उम्मीदवार खीरू महतो के नामांकन में जेडीयू के तमाम बड़े नेता तो मौजूद थे, लेकिन आरसीपी सिंह नदारद थे। हालांकि ये बात तो तय है कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ही आरसीपी सिंह का सियासी भविष्य तय होगा। शैलेंद्र के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। जहां आरसीपी सिंह ने विश्वास जताने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जाहिर किया, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताए जाने पर सवाल खड़े किए। अच्छा, नीतीश कुमार जी को आप प्रधानमंत्री क्यों में दुखते हैं? देखिए ये दिक्कत यहीं पर आती है, जरा समझिए, जरा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बताइए, दिक्कत यहीं पर आती है लोगों, समस्या यहीं पर है कि जो लोग भी, आप जरा सोचिए प्रधानमंत्री का कितना चाहिए सीट जी, 273 चाहिए MP। हमारी कहाँ पर पार्टी है जी, बिहार में हम मैक्सिमम जीते हैं कितना, 20, अभी हमें 16, तो क्या चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ जो मजबूत मुख्यमंत्री हैं भविष्य में कोई, अरे थर्ड फ्रंट
आज सुनिए ना, अरे कितना दिन के याद है आपको? अरे याद है तो नाम लिखाना थोड़ा बॉस का, नाम तो इतना बढ़िया। अरे सुनिए सुनिए जो आप, अरे नाम आप जरा सुन लो, आप जरा सुनिए। बिहार में सबसे लंबी अवधि के मुख्यमंत्री हैं, किसका नाम दर्ज है जी? तो नाम कितना देगा दर्ज कराइएगा। बात कटिहार की, कटिहार में आज से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की दो दिवस